नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये बॉल स्टड है। इससे पहले भी आपने मेरे साथ इसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया, तो आज हम इसे बनाते हैं ऑटोकैड 3D पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पहले मैं इसे फाइल को इस वाली फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। जो दोस्तों ये स्क्रीन है ये हमारे सामने तब आती है जब हम ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन से यहाँ से मैं लूँगा acad3d.dwt। इससे डायरेक्टली जो है वो 3D की फाइल ओपन होगी हमारे सामने, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस देखे जा सकते हैं। ये देखिए UCS जो है इसमें, एंड जनरली हम ड्राफ्टिंग की फाइल ओपन करते हैं तो उसमें दो ही एक्सेस नज़र आते हैं, इसमें तीनों नज़र आ रहे हैं। और दूसरा चेंज जो हमें करना होता है वो मैं लगभग अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। ये हम लोग ड्राफ्टिंग एनोटेशन पर होते हैं जब हम 2D फाइल ओपन करते हैं, जनरली 2D पर ही काम होता है, लेकिन जब हमें 3D मॉडलिंग करनी होती है तो ये कमांड हमें चाहिए होती है, तो यहाँ से 3D मॉडलिंग को ऑप्ट करते हैं। तो ये हमें 3D की कमांड्स इस तरह से, ये इनके रिबन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं इस तरह से। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले मैंने ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने होम पर क्लिक किया पहले, इस तरह से आया। अब यहाँ से मुझे लेना है फ्रंट, फ्रंट पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक किया इस पर और पैरेलल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें एक पॉलीगन बनाना है, तो पॉलीगन बनाने के लिए ये देखिए ये है पॉलीगन कमांड, पॉलीगन पर क्लिक किया। सबसे पहले जो मैसेज आता है वो आता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो मैंने यहाँ पर 6 टाइप करके एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन तो मैंने टाइप किया 0,0 और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद अगला प्रॉम्प्ट आता है इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड का, मैंने सरकमस्क्राइब्ड लिया, एरो की से नीचे गए और एंटर दबा दिया। अब देखिए ये सेंटर यहाँ पे पकड़ा था हमने। अब स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे हमने ले लिया 8 और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमारा पॉलीगन बन गया। यहाँ से अब हमने एक सर्कल भी बनाना है, तो सर्कल कमांड पर क्लिक किया और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो 0,0 टाइप करके एंटर प्रेस किया और रेडियस की वैल्यू दे दी 5। इस तरह से देखिए ये पॉलीगन और एक सर्कल हमने बनाया। इसके बाद यहाँ से हम होम पर क्लिक करेंगे, अननेम्ड, यहाँ से WCS, इसके बाद एक्सट्रूड, पहले सर्कल को ले लेते हैं, सर्कल पर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और इस डायरेक्शन में लेकर आए। अब यहाँ पर वैल्यू जो हमें देनी हो देनी है 25.4 और एंटर प्रेस किया मैंने, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब फिर एक्सट्रूड पर जाते हैं, इस बार हमें लेना है पॉलीगन और राइट क्लिक करके एंटर किया या फिर एंटर प्रेस कर दें डायरेक्टली आप। अब डायरेक्शन ये चाहिए मुझे, मैंने टाइप किया कितना 5 और एंटर प्रेस किया, लेकिन ये इस तरफ बन गया है, देखिए ये इस तरफ बन गया। तो हमें करना क्या होगा, मैंने कंट्रोल जेड किया इस तरह से, एक्सट्रूड और सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया। अब इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा माइनस पर, -5, तो इस तरह से ये देखिए हमें दिखाई देगा। अब इन दोनों पार्ट्स को यूनाइट कर लेते हैं, तो टाइप किया UNI और एंटर प्रेस किया, इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, देखिए दोनों पार्ट जो है वो यूनाइट हो गए, अब ये एक पार्ट में कन्वर्ट हो गए। अब चलिए अब इस पर हम पहले तो चैम्फर कर लेते हैं, यहाँ से सॉलिड फिलेट एजेस के नीचे चैम्फर एज है, यहाँ से डिस्टेंस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर अब डिस्टेंस हमने ले लिया 0.5 और दूसरा भी 0.5। अब वैल्यू इनपुट करने के बाद एंटर ज़रूर प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए एज को सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर दो बार दबाना है, दो बार एंटर प्रेस किया, तो ये पोर्शन देखिए आपका चैम्फर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ में देखिए ये हेलिक्स कमांड नज़र आ रही है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो ये हमने देखिए जैसे हाईलाइट हुआ ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये फेस हाईलाइट हुआ, ये सेंटर हमने लिया, इस पर क्लिक किया, वैल्यू दे दी 5, दोबारा 5, एक बार होगी हेलिक्स पे, मतलब इसमें टॉप रेडियस और बॉटम रेडियस दो रेडियस मांगते हैं इसमें हेलिक्स में। तो अब देखिए ये इस तरह से हमें हेलिक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें टर्न हाइट चेंज करनी है, यानी कि एच एंटर करेंगे हम, एच टाइप करके एंटर प्रेस किया, टर्न यानी कि पिच हमने ले लिया 1 और एंटर प्रेस किया। अब देखिए डायरेक्शन हमें यहाँ से चेंज करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो माइनस में वैल्यू देनी होगी हाइट की। अब वैल्यू हमने जैसे 15 mm तक अगर हमें थ्रेड करना है तो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं माइनस 20 और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 20 तक आ गए हम। अब यहाँ से इस हेलिक्स को हम ये सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये एक्सिस आ जाता है यहाँ पे। अब इस पर क्लिक किया और इस डायरेक्शन में लेकर आए और 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये थोड़ा सा बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। अब हमें सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन बनाने के लिए अब हम जाएंगे किस पर, टॉप प्लेन पर। टॉप व्यू लिया हमने इस तरह से, यहाँ से राइट क्लिक करके पैरेलल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लें, यहाँ ऑर्थो मोड ऑन किया, ऊपर की तरफ जाएंगे 0.25, एंटर, दोबारा एंटर करके बाहर निकला। ये छोटी सी एक लाइन बनी देखिए 0.25 mm की। अब यहाँ से हमने एक अंदाजे से हमने ये लंबी सी लाइन एक बना ली। इसके बाद हम यहाँ से ये पॉइंट है ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से अब एंगल शो हो रहा है, हमें एंगल ये शो होने लगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब की दबाएंगे और वैल्यू देंगे यहाँ पर एंगल की कितनी, 29 degrees। तो ये इस तरह से लाइन बनी और एंटर दबाया, कमांड से बाहर निकले। इसके बाद ट्रिम TR टाइप करके एंटर दो बार प्रेस करेंगे और ये देखिए ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ से मिरर MI टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये और ये हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया और फिर इसके बाद एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और एंटर। इसके बाद ये सेंटर लाइन जो है ये हम इरेज कर देंगे, सेलेक्ट करके E टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब हमें फिलेट देना है, तो फिलेट के लिए F टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर R टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद वैल्यू दे दी हमने 0.05 और एंटर प्रेस किया। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये रेडियस ये ऐसे क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम इन्हें इस ऑब्जेक्ट को रीजन कर लेते हैं, REG टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करेंगे, तो ये ऐसा हमें दिखाई देगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि इसे मिरर करना है। MI टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और एंटर दबाएंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देंगे, हमें इस ओरिएंटेशन में चाहिए थ्रेड का प्रोफाइल। ओके, तो अब हम यहाँ से आते हैं होम पर, अननेम्ड WCS। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे इसकी सही जगह पर रखना है, तो इसके लिए यहाँ से मैंने मूव कमांड को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब ये है हमारा एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट से उठाया और इस एंड पॉइंट पर यहाँ पर रख दिया, ये देखिए इस तरह से। अब हम यूज़ करेंगे स्वीप कमांड, तो स्वीप के लिए SW जैसे ही टाइप किया स्वीप आ गया, स्वीप पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो ये प्रोफाइल पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। अब अगला मैसेज आता है स्वीप सेलेक्ट स्वीप पाथ, तो ये है हमारे लिए पाथ, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है वो स्वीप होकर हमें दिखेगी और इस पर जो है वो ओवरलैप हो जाएगी। चूँकि ये अभी रियलिस्टिक में है, विजुअल स्टेट में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर यही वायर फ्रेम में हो तो तुरंत ये स्वीप हो जाता है। ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। अब हम करेंगे क्या कि ये स्प्रिंग टाइप की जो हमारी मतलब शेप आई है यहाँ पर, ये बना है जो ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरे ऑब्जेक्ट में से। तो सब्ट्रैक्ट के लिए टाइप करेंगे SUBT, ये सब्ट्रैक्ट कमांड नज़र आने लगी, एंटर प्रेस किया। अब पहले बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद हम ये स्प्रिंग को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए ये यहाँ से थ्रेड का प्रोफाइल इसमें कटा हुआ नज़र आएगा इस तरह से। ये देखिए ये थ्रेड इसमें कट गया। यहाँ से अब हम अगर राइट ले लेते हैं या लेफ्ट ले लेते हैं जो भी, ये देखिए थ्रेड का प्रोफाइल हमें यहाँ से इस तरह दिखाई देगा। ओके, यहाँ से पैरेलल कर लें। अच्छा चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और उसको ले लेते हैं
जिसके ऊपर का पोर्शन हमें बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, राइट प्लेन ही ले लेते हैं, राइट पर चले आए। राइट पर आने के बाद हम यहाँ से देखिए यहाँ पर हम वो प्रोफाइल बनाएंगे ऑर्थो मोड को ऑन किया, 6 mm एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकले, यहाँ से लिया हमने 6 mm, ऊपर की तरफ आए 4 mm और ये ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अब इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से आगे चलेंगे हम 8 mm और एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे। इसके बाद हम आएंगे आर्क में, स्टार्ट एंड रेडियस, ये है स्टार्ट और ये है एंड, रेडियस एस्केप दबाकर फिर बाहर निकले, स्टार्ट एंड हमने गलत ले लिया था। हम ये जो है स्टार्ट ये होगा हमारा, एंड ये होगा, और कर्सर को नीचे की तरफ लाएंगे, रेडियस कुछ इस तरह से बनती हुई नज़र आएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे 5 और एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से, ओके। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, इरेज कर दिया, आर ई जी टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अब आर ई वी टाइप किया और एंटर प्रेस किया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, एंटर प्रेस किया, फिर इसके बाद एक क्लिक इस पॉइंट पर और एक क्लिक इस पॉइंट पर करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए ये प्रोफाइल आपका यहाँ से रिवॉल्व हो जाएगा इस तरह से, कुछ ये नज़र आ रहा है हमें। अब यहाँ करेंगे क्या कि यहाँ से इसे हमें मूव कराना है, मूव पर क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ पर अब हमें इसका ये सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है ये, और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिकी हो जाता है, ये देखिए ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, ये दिखाई दिया, देखिए यहाँ क्लिक किया हमने तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ये एक्सेस है, इस पर क्लिक किया और इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे 5 mm, तो ये इसके बिल्कुल इस फेस पर आ जाएगा। इसके बाद यूनियन कर देंगे इसे, UNI, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे सॉलिड में गए, फिलेट एजेस, यहाँ से रेडियस पर क्लिक किया और वैल्यू दे दी यहाँ पर 0.5, एंटर किया और एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस एज पर और एंटर दो बार प्रेस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारा ये बॉल स्टड जो है वो बन जाएगा। तो ये इसमें अब हमें एक चीज़ और करनी है, वो क्या है कि यहाँ पर एक कट लगाना है, तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पर राइट में, पैरेलल, सेंटर रेडियस, ओके ये सेंटर हो गया, रेडियस ले ली 5 की, इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए ये क्वाड्रेंट से इस डायरेक्शन में आएंगे 1.5 और इस डायरेक्शन में ऐसे इसको कट करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है हमें आगे, यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसे हाइड कर देते हैं, ये हाइड हो गया तो ये प्रोफाइल बन गई हमारी, TR, डबल एंटर। अब यहाँ से ये देखिए ये ट्रिमिंग करेंगे, केवल ये ऑब्जेक्ट रह जाएगा, REG, एंटर, इसे रीजन किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ से हम REV टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ और एंटर दबाएंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब राइट क्लिक किया, आइसोलेट में गए, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि ये देखिए ये अलग नज़र आ रहा है और ये अलग है, ओके। अब हम आएंगे सबट्रैक्ट में, SUBT, एंटर,
बड़े ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया पहले और एंटर दबाया, इसके बाद छोटे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दोबारा एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए ये ऊपर वाला फेस जो है ये फ्लैट हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ से अब हम इन ग्रिड्स को भी ऑफ कर देते हैं। ये रहा ग्रिड, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था बॉल स्टड इन ऑटोकैड 3D। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।